खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दो वर्षों से गांव में कभी लेखपाल नहीं आया, जिसको लेकर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की डीएम संजीव रंजन से शिकायत के बावजूद गांव में आज तक कभी ना आने वाले भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लेखपाल रंजन सरोज पर कुंडा तहसील का राजस्व विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी पनप रहा है। देखिए संवाददाता देवानंद शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। हम ग्राम प्रधान सुनील यादव, ग्राम पंचायत खरगीपुर और देवगलपुर के मजरे हमारे इसमें ही आता है, वहाँ के लेखपाल रंजन सरोज हैं, उनकी सर इतनी शिकायत कर चुके हैं कि वो आज तक गांव में नहीं आते हैं 2 साल से, और तहसील पे भी 10 शिकायत दर्ज करवा चुके हैं सर तहसील दिवस पे, लेकिन फिर भी वो नहीं आते हैं। एसडीएम डीएम से शिकायत आपने किया? हाँ सर, तहसील दिवस पे भी दिए हैं और उनके पास भी दिए हैं एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, वो लिपा पोती कर देते हैं। और सर एक चक्रोट पैमाइश के लिए अगर उनको कहें तो 10,000 रुपये मांगते हैं, उसके बाद भी देने के लिए तैयार हो जाओ तब भी नहीं आ रहे हैं वो नाप करने के लिए। गांव में कभी नहीं आता? कभी नहीं आया सर, 2 साल से आज तक कभी नहीं है, कोई पहचान नहीं पाएगा उनके गांव में, हमारे गांव में कि यही लेखपाल है। आपने डीएम साहब शिकायत किया? हाँ सर, डीएम एप्लीकेशन हमारे पास रखे हुए है सर, जब कहें हम तब दिखा दें डीएम साहब को भी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ये रंजन जी सरोज लेखपाल है जी, वो यहाँ आते ही नहीं है, और उनके पास फोन लगाओ तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, और फिर जो उसके बाद कुंडा जाओ तो कुंडा में बोलते हैं कि हमको पैसा दो, इतना 2,000 रुपये दो तुम्हारा काम करेंगे, और फिर उसके बाद डीएम एसडीएम बोलते हैं कि वहाँ जाओ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी जी, और वहाँ पर जी एप्लीकेशन दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खरगीपुर ग्राम पंचायत का इधर राजस्व गाँव देवगलपुर है, वहाँ के निवासी हमारे साथ सब खड़े हुए हैं। इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ राजस्व गांव में तैनात लेखपाल रंजन सरोज गांव में कभी नहीं आता है, वो सीधा कुंडा आता है अपने घर से, और कुंडा से मीटिंग करके वो अपने घर चला जाता है, और पिछले 2 वर्षों से राजस्व गांव देवगलपुर में तैनात है। हमारे साथ एक प्रधान जी खड़े हैं सुनील यादव, और गाँव के सब निवासी खड़े हुए हैं। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, और यहाँ तक कि ग्रामीणों में ये भी आक्रोश है कि डीएम और एसडीएम के यहाँ शिकायत की जाती है तो वह क्या करता है कि जो गांव में प्रधान जी के विरोधी हैं उनके यहाँ जाके बैठ करके पेशबंदी करके, और वहीं 10-5 लोगों का फर्जी सिग्नेचर बनवा करके ले जा करके अधिकारियों जांच अधिकारी को दे देता है, और वहीं से अपने पक्ष में रिपोर्ट लगवा लेता है। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीण कहते हैं गाँव में नहीं आता है, और सेवा को उसने घूस कमाने को कई अवसर के रूप में बदल दिया है। और एक प्रधान जी कहना है कि डीएम और एसडीएम के यहाँ हमने कई बार शिकायत किया, जांच के नाम पर केवल लीपापोती होती है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए हम प्रधान जी सुनील यादव से बात करते हैं, बताइए प्रधान जी क्या समस्या है। जी हाँ सर, हमारे यहाँ के जो रंजन सरोज देवगलपुर के लेखपाल हैं वो कभी आज तक आए नहीं है, गाँव में कोई आदमी उनको नहीं पहचान पा रहा है सर। वो आते हैं तो सिर्फ यही तहसील जाते हैं अपने घर से, तहसील से सीधा घर चले जाते हैं, और उनको एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सर वरासत दर्ज कराने के लिए कहते हैं 2,000-3,000 रुपये, गाँव के लोग हमसे आके शिकायत करते हैं सर, लेकिन आज तक किसी का उन्होंने किया नहीं है। जैसे आपने डीएम और एसडीएम के यहाँ शिकायत किया तो जांच अधिकारी कभी गाँव में आते हैं कि नहीं आते? नहीं सर, कभी नहीं है, हमारे पास लिखित रिपोर्ट है सर, हम तहसील दिवस पे 10 शिकायत दर्ज करवा, जाँच भी करने कोई नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई बता दे हमारे यहाँ आया। आप बताइए, ये देवगलपुर के निवासी हैं, आप बताओ क्या समस्या है। भैया जी, हमें वरासत करानी थी, कम से कम 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं लेखपाल के चक्कर, हर तीसरे दिन कुंडा बुलाते हैं, गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हर तीसरे दिन जाना पड़ता है, वही 5,000-3,000 दो तो काम होगा, नहीं है हमारे पास, कहाँ से दें इनको पैसा। गांव में कभी आते हैं? गाँव में कभी नहीं आते, गाँव में कभी नहीं आते। इस तरीके से गाँव के लोगों में, प्रधान जी में, लेखपाल राजस्व गांव देवगलपुर में तैनात लेखपाल रंजन सरोज के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। डीएम और एसडीएम के यहां शिकायत करने के बावजूद भी दबंग लेखपाल, भ्रष्ट लेखपाल रंजन सरोज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देवानंद शुक्ला, R9 न्यूज़, प्रतापगढ़।